बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुबीना मलिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है जी संडे, तो मैंने सोचा कि अम्मी की थोड़ी सी हेल्प की जाए और ऑमलेट बना देती हूँ मैं। इतना प्याज काफ़ी होगा। वैसे ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक तो इसका कैसे कहते हैं लहसुन, इसका भी डालती होती हूँ। तो पहले हम ये भी है। और इसमें मैं डालूँगी 3 सब्ज मिर्ची और 1 टमाटर, लेकिन ये टमाटर मैं आधा डालूंगी। अब मैं ज़रा इन सारी चीज़ों को धो लूँ, काट लूँ। अब मैं लिया है एक अंडा, जो कि हम इसमें डालेंगे। बट उससे पहले आपको अंडा वॉश करना है, बिकॉज हाइजीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अब हम इसको इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करें। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि अच्छे नहीं होते, तो इसलिए मैं सिर्फ नमक ही ऐड कर सकते हैं। वैसे आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड करती। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल के लेनी चाहिए, डाल लेते हैं। हमारे घर पे जो लाल मिर्ची है वो ज़रा ज़्यादा कड़वी है, तो बस मैं इतनी सी ही अमाउंट इसकी क्वान्टिटी ऐड करूँगी। ये ऑलमोस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है, और साथ ही मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। इस पे जब ये गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे ऑयल, और फिर उसके बाद हम अपना ऑमलेट का बैटर डालेंगे। इस पे अब मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप जब ऑमलेट का बैटर आप इसके ऊपर डालेंगे, तो उस टाइम पर आपका जो चूल्हा है वो बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता होना चाहिए, लाइक मीडियम नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्लो होना चाहिए, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। क्योंकि उसको काफ़ी देर हमें तवे पे रखे पड़ा रहना छोड़ना पड़ता है, ताकि वो पूरा एक कंसिस्टेंसी के साथ उसकी शेप जो है, मतलब कि वो ऑमलेट टूटे नहीं, उसकी शेप जैसी भी आएगी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, तो वो सर्कल ही रहे। अब ऑयल गर्म हो चुका है, मैं आपको चूल्हा दिखा देती हूँ कि एंड पे आपने कितना रखना है। वहाँ से नजर आएगा, चलो नीचे से दिखा देती हूँ, इधर से तो नहीं आ रहा। इट शुड बी लाइक दिस मिनिमम, इतना स्लो इसको रखना है हमने। अब हम इसके ऊपर ये डालेंगे बैटर। जस्ट हो कि आज भी वैसा बन जाए जैसा रोज बनता है। ये तवे पे इस तरह से जब मूव कर रहा होगा तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर इसे पहले करेंगे जब मूवेबल नहीं होगा तो फिर ये टूट सकता है, और इसको टूटने से बचाना है, इसको हमने टूटने से बचाना है। इससे तो ये नहीं हो पा रहा, तो यार क्या करूँ।
और ये हमारी साइड डिश की उलट गई बगैर चले, तो हम इसको उतार लेंगे। हाँ तो भाई,